सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नातिको आईटी। सो आज मैं आप सबको इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इसके अंदर जो बैकग्राउंड्स पीएनजी लगेंगे वो आपको इसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन सब पीएनजीज को डाउनलोड कर लेना है। देन पिक्सर्ट को ओपन करना है, उसके बाद फिर वेट करना है, देन इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से एडिट अ फोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर अपनी जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो मैं जल्दी से अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देता हूँ। डन। यहाँ से आपको क्या कर लेना है, अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है। देन आपको उसके बाद क्या करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो ब्लू कलर का जो आपका बैकग्राउंड पीएनजी है उस ब्लू कलर के पीएनजी को ऐड करना है। सो इसको ऐड कर लेने के बाद यहाँ से इसको पूरा परफेक्टली जूम आउट कर देना है। देन उसके बाद इसको यहाँ से राइट वाले आइकन पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड को सेव कर लेना है, ऊपर से सेव कर लेना है। देन अपना जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का वो बन चुका है। देन आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके अपने जो टेप पीएनजी है उस लिंक से जो आपने डाउनलोड किया होगा उस टेप पीएनजी को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको चारों तरफ से बराबर चिपका देना है। सो पहले मैं इसको चिपका देता हूँ आराम से। सो डन परफेक्टली। उसके बाद आपको ऐड फोटो पर अगेन क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको टेप की शेडो को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से इस टेप की शेडो को ऐड कर देना है। उसके बाद इसको परफेक्टली चारों टेप के किनारे पर शेडो के शेडो वाइज चिपका देना है। सो पहले मैं इन चारों शेडो को सेट कर देता हूँ, ठीक है। सो इट्स डन। देन आपको क्या करना है, इसके बाद फिर बैकग्राउंड होने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ऐड फोटो पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट है इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट, उसको ले लेना है। यहाँ से इसको क्रॉप कर लेना है। आपने क्या करना है, बायो तक लेना है। असल में मेरे इसमें बायो नहीं है, इसलिए मैंने इतना लिया। आपको बायो तक अपनी स्क्रीनशॉट को लेना है और उसके बाद इसको क्रॉप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको इसको बड़ा करना है कुछ इस टाइप से, और थोड़ा मतलब अपने हिसाब से इसको सेट कर देना है। तो मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ, उसके बाद आपको सेट कर लेना है अच्छे से। एंड देन आपको क्या करना है, ब्लेंड पर जाना है। इस ब्लेंड पे जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन आपको क्या करना है, देन आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम टाइप कर देना है। तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ इसका यूज़र नेम। सो देन आपको क्या करना है, उसके बाद
कलर में जाना है। कलर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको ग्रे कलर सेलेक्ट कर देना है। देन आपको स्ट्रोक पर जाना है, साइड में स्ट्रोक है उस पर जाना है, उसको भी क्या बोलते हैं ग्रे कलर रखना है, साइड वाला लाइट ग्रे रखना है। देन शेडो पर क्लिक करना है, शेडो पे आने के बाद पोजीशन में जाना है, दोनों को 100 करना है, वर्टिकल को भी 100 करना है और हॉरिजॉन्टल को भी 100 करना है। दोनों को 100 करने के बाद एडजस्ट पर जाना है। देन एडजस्ट पर जब तुम चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ब्लर और ओपेसिटी, तो ओपेसिटी को भी 100 और ब्लर को भी 100 कर देना है। उसके बाद फिर आपको अपने टेक्स्ट को ऊपर कॉर्नर पर परफेक्टली सेट कर देना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी ऐसे करना है, इसको अच्छे से सेट कर देना है। देन सेट हो जाने के बाद आपको जो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है राइट कॉर्नर वाला, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फोटो है वो परफेक्टली पूरी फुली तौर पर बनकर तैयार हो चुकी है। देन आपको क्या करना है, ऊपर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से सेव कर लेना है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आपको क्या करना है, टूल वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव इमेज पर क्लिक कर देना है, यहाँ से भी आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉच एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक भी करो, शेयर।